नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बड़ी उम्मीदें थी जब भारत साउथ अफ्रीका दौरे पर गया, क्योंकि टेस्ट टीम उनकी हमसे बेहद ही ज्यादा कमजोर थी। ऐसे में 29 साल का जो इतिहास था वो विराट की सेना बदलने गई थी, लेकिन हुआ ठीक उसके उल्टा। भारत के 29 साल का सफर अभी भी आगे बढ़ता चला गया और एक बार फिर से सपना चकनाचूर हो गया। आपको बता दें कि भारत कभी भी साउथ अफ्रीका की सरजमी पर टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। ऐसे में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमों को परास्त करने वाले विराट कोहली से उम्मीद थी कि वो साउथ अफ्रीका को परास्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत 2-1 से सीरीज हार गया। इस हार के साथ ही आकाश चोपड़ा, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा वक्त में कॉमेंट्री करते हैं, वो भी टूट गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साउथ अफ्रीका की कमजोर टीम से हारने का गम सदियों तक हमें चुभेगा। आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में कहा है, अगर आप दोनों टीमों की तुलना करें तो भारत कहीं ज्यादा बेहतर टीम थी। आपने सारे टॉस जीते, लेकिन चौथी पारी में 200 से ज्यादा रन काफी आसानी के साथ चेस करवा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हार काफी लंबे समय तक चुभने वाली है। हमने सेंचुरियन में पहला टेस्ट मुकाबला जीता, लेकिन उसके बाद वांडर्स और केपटाउन में हार का सामना करना पड़ा। 2018 में मिली हार से दुख जरूर हुआ था, लेकिन उस वक्त दोनों ही टीमें बराबरी की थी। तो आकाश चोपड़ा का आपने ये बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से बताया कि एक कमजोर साउथ अफ्रीका से हारने के बाद ये हार हमें सदियों तक खलेगी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हम 2-1 से सीरीज, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हम कमजोर साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज पर कब्जा करेंगे और पहली बार अफ्रीका की सरजमी पर इतिहास रचेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से हार गया है और अब वनडे सीरीज की तरफ भारत बढ़ रहा है। 19 जनवरी से 3 वनडे मैचों की श्रृंखला KL राहुल की कप्तानी में खेली जानी है, जहां पर भारत जीत के इरादे से उतरेगा।